क्रियाकलाप एक, अपना तापमापी यंत्र स्वयं बनाएं। आवश्यक सामग्री, कांच की एक छोटी सी शीशी, स्ट्रॉ, कैंची, स्याही, पानी, टेप या पुट्टी। विधि, शीशी के ढक्कन में कैंची की मदद से एक छोटा सा छेद करें जिसमें स्ट्रॉ आसानी से जा सके। अब शीशी में आधे स्तर तक पानी भरें और उसमें कुछ बूंद स्याही मिला दें। शीशी का ढक्कन लगाकर स्ट्रॉ इस तरह अंदर डालें कि वह शीशी के तल को न छुए। ढक्कन बंद करके क्ले या टेप से छेद को अच्छी तरह बंद कर दें। अब हाथों को आपस में रगड़कर शीशी के ऊपरी भाग पर रखें। क्या स्ट्रॉ में पानी का स्तर बढ़ा? ऐसा क्यों हुआ होगा? इस प्रकार के ऊष्मामापी यंत्र को थर्मोस्कोप कहा जाता है, क्योंकि इसमें थर्मामीटर की तरह तापमापी पैमाना नहीं होता। केवल तरल पदार्थ के तापमान के साथ उतार चढ़ाव से तापमान में बदलाव दर्शाया जाता है। इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। हाथों को रगड़कर शीशी पर रखने से हाथों द्वारा मिली ऊष्मा के कारण शीशी के अंदर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है। शीशी के बंद होने के कारण यह गर्म हवा पानी पर दबाव डालती है, जिस कारण पानी का स्तर स्ट्रॉ में बढ़ने लगता है। आयतन में परिवर्तन से तापमान का मापन हमारे लिए सबसे सरल है। डॉक्टरी थर्मामीटर भी इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। थर्मामीटर की मदद से गर्म पानी, रेत, बर्फ आदि का तापमान नोट करें। थर्मामीटर की बनावट व उपयोग की विधि को समझने के लिए प्रायोगिक कार्य में उपयोग में आने वाले तापमापी या थर्मोस्कोप चित्र 3 में देखें। 3.1.3 तापमान के पैमाने, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तापमान मापने के 3 प्रचलित पैमाने हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। फ़ारेनहाइट पैमाने में सामान्य दाब पर पानी के उच्चतम ताप, यानी कि वह तापमान जिस पर पानी भाप में परिवर्तित होता है, को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और पानी के न्यूनतम ताप अर्थात वह तापमान जिस पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है, को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंकित किया जाता है। फ़ारेनहाइट के न्यूनतम व उच्चतम ताप को समान अंतराल के 180 भागों में विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार सेल्सियस पैमाने में पानी के उच्चतम ताप को 100 डिग्री सेल्सियस और पानी के न्यूनतम ताप को 0 डिग्री सेल्सियस पर अंकित किया जाता है। इसमें न्यूनतम व उच्चतम ताप के बीच के अंतराल को 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है। तापमान के पैमानों में संबंध निम्नानुसार स्थापित किया जा सकता है। प्रथम तापमापी का तापमान पैमाना ऋण निम्नतम बिंदु बटे उच्चतम बिंदु ऋण निम्नतम बिंदु बराबर द्वितीय तापमापी का तापमान पैमाना ऋण निम्नतम बिंदु बटे उच्चतम बिंदु ऋण निम्नतम बिंदु। समीकरण 1। चलिए हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझें। उदाहरण, डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है। सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा? हल, हम जानते हैं कि तापमान का पैमाना फ़ारेनहाइट माइनस उस पैमाने का निम्नतम बिंदु 32 बटे उस पैमाने का उच्चतम बिंदु फ़ारेनहाइट का 212 माइनस उसका निम्नतम बिंदु 32 बराबर, हमें इसको बदलना है सेल्सियस पैमाने में। सेल्सियस पैमाने का संकेत सी, सेल्सियस पैमाने का निम्नतम बिंदु 0, सेल्सियस पैमाने का उच्चतम बिंदु 100 माइनस सेल्सियस पैमाने का निम्नतम बिंदु 0। हल करेंगे इसको, F माइनस 32, 212 में से 32 घटाएंगे
180, सी में से जीरो घटाएंगे सी, 100 में से जीरो घटाएंगे 100, इसको 20 से भाग दे देंगे हम, एफ माइनस 32 बटे 9 बराबर सी बटे 5। हमें सी का मान निकालना है, इसलिए हम इसको तिर्यक गुना कर देंगे, तो ये अपना हो जाएगा 5 बटे 9 गुणित एफ माइनस 32 बराबर सी। हमें फ़ारेनहाइट पैमाने में मान दिया हुआ है 98.6, 98.6 माइनस 32 बराबर सी। 5 बटे 9 इनको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 66.6 बराबर सी। 5 का गुना 66.6 के साथ करेंगे, मान आ जाएगा 333 बटे 9 बराबर सी। 333 को 9 से भाग देंगे, ये जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर सेल्सियस। इस तरह 37 डिग्री सेल्सियस बराबर सेल्सियस पैमाने में मान, अर्थात 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यही मनुष्य का तापमान होता है, यही इसका हल है। इसी प्रकार केल्विन तापमापी पैमाने में पानी का न्यूनतम ताप नियत दाब पर लगभग 273 केल्विन व उच्चतम ताप 373 केल्विन पर अंकित होता है। इस पैमाने में न्यूनतम व उच्चतम ताप के बीच का अंतराल 100 समान भागों में विभाजित होता है।